नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टीचिंग टॉक में। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल आप सभी के लिए। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा था कि अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए सर, तो बात उनकी सही है क्योंकि हाफ ईयरली में आपके बहुत कम टाइम बचा है अभी, तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर अपन फोकस रखें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा जो सेकेंड बुक है पैनोरमा, उसका वेटेज लगभग है 15 नंबर का, उसमें 11 चैप्टर्स है। तो मैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट 5 चैप्टर्स की इस वीडियो में बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और रेस्ट 6 चैप्टर्स की एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना एंड तक, और एग्जाम टाइम तक बार बार वीडियो को रिवाइज करते रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को भी साथ साथ में डिस्कस कराता रहूंगा, जिससे आपको चैप्टर का थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में द टाइगर किंग से, व्हाट सेलिब्रेशंस टू प्लेस एट द 100th टाइगर्स किलिंग। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि जो 100 टाइगर मरा था, उसके सेलिब्रेशन, उसको मरने के बाद क्या सेलिब्रेशन उस स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज हुए। तो डेड टाइगर वॉज ब्रॉट टू द कैपिटल ऑफ प्रतिबंधपुरम इन अ प्रोसेसन। डेड टाइगर को जो प्रतिबंधपुरम गाँव है उसके सेंटर में लाया गया प्रोसेसन में, मतलब एक जुलूस निकाला गया उसका पूरे सिटी के अंदर, उसकी डेड बॉडी को घुमाया गया और वहाँ पे लाके उसको रख दिया। और देर द टाइगर वॉज ब्यूरीड, वहाँ पर उस टाइगर को गाड़ दिया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया, जैसे ताजमहल बना हुआ है ना, वैसे उसके ऊपर छोटा सा एक मकबरा बना दिया टाइगर के डेथ होने के बाद। तो इस तरह से वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ। तो समझ आ गया वो क्वेश्चन, और सेलिब्रेशन टू प्लेस एट द 100 टाइगर किलिंग। द टेड टाइगर वॉज ब्रॉट टू द कैपिटल ऑफ प्रतिबंधपुरम इन अ प्रोसेशन। द प्रोसेशन वॉज टेकन थ्रू द टाउन, देन देयर द टाइगर वॉज ब्यूरीड, अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, दस किलिंग ऑफ 100 टाइगर वॉज सेलिब्रेटेड। मेरे साथ साथ इसको रिपीट भी करते रहे ताकि आपको साथ साथ में याद भी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ कैन इट बी सैड दैट द ग्रांड मदर न्यू दैट हर एंड हैड कम। तो ये क्वेश्चन दिया गया आपके सेकंड चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से। तो उसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, कैसे कहा जा सकता है कि दादी जानती थी कि उनका अंत आ गया, कि जो ग्रैंड मदर थी उसकी डेथ से पहले उसने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, उसको कैसे पता चल गया कि उसकी डेथ अब होने वाली है। तो इसका आंसर देखिए, द ग्रैंड मदर हैड मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर सेड दैट इट वुड गो, बट सी सेड दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम इन टॉकिंग जस्ट बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, एंड सी रियली डाइड सो वी कैन से। तो कैसे कहा जा सकता है कि दादी जानती थी उनका अंत आ गया। तो अपन इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रैंड मदर को क्या था, थोड़ा सा बुखार था, और डॉक्टर ने कहा कि बुखार नॉर्मल है, चला जाएगा, वायरल है, 3-4 दिन निकल जाएगा बुखार। तो इसने क्या कहा था कि अब ज़्यादा टाइम ये जो मोह माया लाइफ किसके अंदर ख़राब करना नहीं चाहती, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ख़त्म होने से पहले ज़्यादा टाइम बातों के बातें करने में या जो सांसारिक चीज़ें उसके अंदर वेस्ट करेगी नहीं वो, अब वो क्या करेगी कि माला फेरेगी। तो उसने ये बात कह दी, इससे पता चल सकता है उनको कि उसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था मेरा अंत आ गया है अब। तो थर्ड क्वेश्चन अपने सामने है, हुम डिड द प्रिंसेस चूज एज हर हस्बैंड एंड वाई। ये चैप्टर है थर्ड का सेकेंड पार्ट, स्वयंवर, स्वयंवर का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या है, राजकुमार ने अपने पति को कैसे चुना, क्या जो प्रिंसेस थी जिसके पापा को उसकी शादी होने की बहुत टेंशन थी, वो विसलिंग करती थी, तो उसने अपने हस्बैंड को कैसे चुना। प्रिंसेस चूज दैट मैन एज हर हस्बैंड हु रीडली एडमिटेड दैट ही वॉज डिफिटेड फेयरली एट हिज ऑन गेम। शी चूज हिम बिकॉज ही वॉज हम्बल एंड रेडी टू एक्नोलेज अ वुमेन सुपीरियोरिटी। तो जो प्रिंसेस थी उसने उसी आदमी को चुना जो ये एक्सेप्ट करने को तैयार था कि वास्तव में वो हारा है। प्रिंसेस ये हारा किससे, उन्होंने एक विस्लिंग का गेम ऑर्गेनाइज किया था उसके पापा ने, प्रिंसेस के पापा ने, कि जो इसको हरा देगा विस्लिंग के अंदर उसको मैं पूरा जो किंगडम है वो डोनेट कर दूंगा और मैं राजकुमारी से शादी करने का मौका दूंगा। पर कोई हरा नहीं पाया उसको, मतलब जो सारे हार गए कोई हरा नहीं पाया राजकुमारी को। तो राजकुमारी ने फिर एक इवेंट रखा गया जो ये एडमिट कर लेगा कि मैंने हरा है, वो मेरे साथ शादी करेगा। तो एक बाकी सारे तो कह रहे थे कि हमको एक ट्रिक ट्रिक थी, ये तो चाल थे, मैजिक था, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रिंसेस में ऐसी पावर हो ही नहीं सकती। पर एक बंदा ऐसा था उसने एक्नोलेज किया, हाँ वास्ते मेरे को रह गया है और मैं, मेरी गलती या जो मेरा टैलेंट है, मेरा टैलेंट आपसे कम है, आप ज़्यादा सुपीरियर हो। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसने वुमेन और मैन के अंदर जो इक्विटी है, इक्वलिटी इन इक्विटी, उसको एस्टेब्लिश कर दिया, इसलिए उसने प्रिंसेस ने उसको चूज़ कर लिया शादी के लिए। ठीक है, तो ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं।
ड्रॉट से ये क्वेश्चन है, हाउ वॉज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ गफूर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर का इस चैप्टर का सारा एक समराइज्ड फॉर्म आ जाता है और इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आने का चांस रहता ही है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या देखिए, गफूर वॉज अ पुअर वीवर हु लिव्ड इन काशीपुर। गफूर क्या था, एक जुलाहा था जो कहाँ पर काशीपुर में रहता था, एक गाँव है उसमें। ही हैड ओनली 4 बीघाज ऑफ लैंड, उसके पास केवल 4 बीघा की भूमि थी, जमीन थी। हिज हाउस वॉज एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड, उसका घर कहाँ पे था, रोड के एकदम साइड में था, खेत के कॉर्नर पे, रोड के साइड में उसका घर था। मड वॉल्स ऑफ हिज हाउस वर इन रज्यून्स, जो उसके वॉल्स थे वो टूटे हुए थे। गोटे अटैच द पब्लिक हाईवे, जो उसका जो आंगन था वो जो हाईवे के आसपास आके कहीं टिका हुआ था। जो अंदर की जो प्राइवेसी थी या घर की जो अंदर की बातें थी, इनके अंदर की जो चीज़ें थी वो किसके द्वारा, वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स भाई, मतलब जो आते जाते थे वही उसके ऊपर दया करते थे। इस टाइप की हालत थी उसके घर की। ही हैड टू पैच द रूफ विथ पाम लीव्स एंड मैनेज द रेनी वेदर, उसको जो रूफ है उसको जो पाम लीव्स थी उससे उसको ढकना पड़ता था। रूम का जो रूफ है छत को वो कैसे ढका था, पाम लीव से, और जो रेनी वेदर था उस टाइम उसको सारी बहुत सारी जो कंडीशंस होती थी, केवल पत्तों से तो कैसे रूफ बन सकती है, उसको वैसी कंडीशंस को फेस भी करना पड़ता था। ही हैड डॉटर एंड अ बुल, उससे एक डॉटर थी और एक बुल था, लड़की थी और एक बुल था। ही डिडंट हैव इनफ मनी टू हैव फूड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज, उसके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो अपने और अपने बेटी के लिए खाना भी क्या कर सके, व्यवस्था कर सके खाने की भी। इट वॉज इम्पॉसिबल फीड द बुल, तो वो बुल को तो कैसे फीड करे, और खुद के खाने के पास रोटी के लिए रुपए नहीं है तो बुल तो आते ही नहीं है पास में, बैल का तो नंबर ही नहीं आएगा। फिर तो ड्यूरिंग द ड्रॉट ही डिडंट हैव पैडी फॉर हिज बुल, वंस ही डिसाइडेड टू सेल हिज बुल बट लेटर ही चेंज हिज माइंड। तो ड्रॉट के टाइम उसके पास में जब सूखा पड़ गया था तो उसके पास में जो बैल को खिलाने के लिए चारा होता है उसके लिए भी रुपये नहीं थे, वो चारा भी नहीं था उसके लिए, मतलब तो मतलब वो बैल वो मरने वाले स्थिति में था। उसने सोचा इसको बेच दूंगा, पर बाद में उसने अपनी माइंड को चेंज कर लिया और उसने बेचा नहीं इसको। देर वॉज नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक इन द हाउस, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। गफूर बोरोड मनी फ्रॉम बंसी ऑन सिक्योरिटी ऑफ हिज हाउस होल्ड, उसने अपने हाउस होल्ड गुड्स जैसे वो तांबे की एक शायद प्लेट थी उसने उसको बंसी नाम के दुकानदार को दे दी और उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि वो अपने घर को चला सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 5th और लास्ट चैप्टर इस वीडियो का, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। ये चैप्टर मैंने समरी इसकी एक्सप्लेन भी की हुई है तो आप ऊपर आई बटन भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, सारा एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा, हाउ डिड जमन मैनेज टू मैनेज द बॉर्डर क्रॉसिंग, जमन सरहद पार करने में किस प्रकार सहायता करा। जमन क्या था, एक स्मगलर था जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बीच में स्मगलिंग का काम करता था, मतलब ड्रग्स को यहाँ से वहाँ तक तो भेजाने में हेल्प करता था। ही वॉज द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस द बॉर्डर हैप्पी बाई पेइंग ब्राइब टू देम, अनइंग अनइवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वॉज रनिंग द गॉन्टलेट विथ द लॉ। इसका मतलब क्या, वो एक स्मगलर था, वो जो रेंजर्स होते थे या जो सिपाही होते थे ये बॉर्डर के एरिया, उनको हैप्पी रखता था, उनको खुश रखता था, कैसे पैसे दे दिया भाई तू रख और मेरा काम होने दे। मतलब उसको मान लो 5,000 के ड्रग्स भेजने हैं उधर, 5 लाख के ड्रग्स भेजने हैं, तो वो 1 लाख उनको दे के रखता था, उनको खुश रखता था और उसका काम भी होता रहता था। ठीक है, और उसको बहुत सारा नॉलेज था उस एरिया का, किस तरह से कैसे स्मॉलिंग होती है, यहाँ पे कौन सी सेटिंग रखते हैं, यहाँ पे किसी सेटिंग है, सब पता था उसको। और उसकी सहायता के बगैर कोई भी अगर वो क्रॉस करता तो वो इसका मतलब कानून को चुनौती दे रहा है, मतलब इस वर्ड को याद रखना, गाउंटलेट विथ द लॉ, मतलब कानून को चुनौती देना, मतलब वो कानून को हाथ में ले रहा है ये भी कह सकते हैं अपन। तो इसका एक और क्वेश्चन है, चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसके 2 क्वेश्चन मैंने इसको इंक्लूड किए हैं। वॉट डिड नजब्स फादर थिंक अबाउट हिज सन, तो नजब के पिताजी अपने पुत्र के बारे में क्या विचार रखते थे। नजब फादर थॉट दैट द लैड वुड स्क्वेंडर अवे ऑल दैट हिज एनसेस्टर्स एंड ही हैड एक्वायर्ड ड्यूरिंग 100 ईयर्स, नॉट बिकॉज ही वॉज स्पेंड थ्रफ्ट बट बिकॉज ही वुड बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर वॉट ही सॉल्ड। तो इसकी भाई थ्योरी तो जो आंसर है ना ये है तो बहुत अटपटा, मतलब जो इसके मीनिंग्स यूज किए हुए हैं बहुत हाई लेवल के हैं, तो अपन को यही मीनिंग्स यूज़ करने हैं जिससे आंसर अपन का इफेक्टिव लगेगा और नंबर देने में एग्जामिनर कम नहीं रखेगा उससे। तो सिंपल से वर्ड है स्क्वेंडर एक तो, और एक स्पेंड थ्रफ्ट, दो ही तो वर्ड अच्छे हैं। उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि नजब के पिताजी अपने पुत्र के बारे में क्या विचार रखते थे, जो नजब के बाद अपने बेटे के बारे में क्या सोचते थे। उसके पापा ये सोचते थे कि ये सारा जितना भी कमाया है उसके एंसेस्टर्स ने, नजब के पापा ने, वो सारा उड़ा देगा। ये ऐसे नहीं उड़ाएगा कि वो खर्चीला है, खर्चीला तो नहीं, वो बहुत ईमानदार है, बहुत समझदार है, बहुत रेस्पेक्ट रखता है, खर्चीला तो है नहीं बिल्कुल भी, स्पेंड थ्रफ्ट इसलिए नहीं। वो इसलिए सारा उड़ा देगा क्योंकि वो जो बिजनेस है उनका, जिस कोई भी चीज़ बेचने का बिजनेस है उसके अंदर मान लो सोना है,
10 ग्राम सोने के 50,000 लेने होते हैं, वो 50,000 ले ही नहीं पाएगा, मतलब प्रॉफिट कमा नहीं पाएगा, उसके अंदर बोलने की कला ही नहीं है, तो वो उसको लॉस में बेच देगा, 25 में बेच दे, सामने वाले का 25 में, हाँ भाई 25 में ले लो, बहुत ज़्यादा बोले टाइप का बंदा है। तो इस कारण से कि उसके भोलापन इतना है कि वो जो भी बच्चा है ना उसको भी उड़ा देगा, मतलब लॉस में ले जाएगा सारा मामला। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंदर शायद मैं 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा है नहीं, 6-7 भी नहीं है, 5-6 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए जिससे आपके क्वेश्चन माइंड में बैठ जाएंगे, और नई वीडियो के लिए वेट कीजिए जिसके अंदर मैं 6 से लेकर 11 चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर कुछ चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके अंदर क्वेश्चंस भी 8-10 क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को तब तक रिवाइज़ कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने